दोस्तों फाइनली जो मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट है वो आ चुकी है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, मतलब पहली बार मतलब कुछ मिला है, पहली बार कमाई है मैंने कुछ पैसे, वरना तो ऐसे ही घर वालों से मांग के काम चला रहा था, तो पहली बार कुछ मैंने कमाया है अपने आप से। 2 साल से इस यूट्यूब चैनल को मैं रन कर रहा था और आज जाके मुझे पेमेंट आई है। आज के दिन मैंने पहली वीडियो डाली थी रियलमी 6 के ऊपर, अनबॉक्सिंग करी थी उसमें, और आज अराउंड 24 है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज इसको 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज मुझे मेरी पेमेंट मिल चुकी है। और घर वाले भी काफ़ी खुश हैं, मतलब मैं यूट्यूब वीडियो शूट करता था तो बस ऐसे ही बोलते थे कि बकवास है, सब कुछ नहीं मिलता इससे, लेकिन अब मैंने पेमेंट दिखाई उनको तो वो भी थोड़ा खुश है। कम है पेमेंट, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, $100 है, लेकिन कुछ तो है, मतलब कुछ कमाई इससे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसी मैं लगा रहा हूँ, मेहनत का थोड़ा बहुत तो फल मेरे को मिला ही है। तो अगर बात करें कि मुझे कितने पैसे मिले हैं, तो मुझे $100 मिले हैं। मेरा जो चैनल है वो फरवरी में मोनेटाइज हो गया था और अराउंड $100 करने के लिए मुझे 5 महीने लगे हैं और अगस्त में जाके मुझे ये मेरी पेमेंट मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे पेमेंट पूरी करने में, लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वो आगे से रेगुलर वीडियो भी डालेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा मोटिवेशन भी आएगी पैसे की, तो रेगुलर वीडियो डालूंगा और काफ़ी अच्छी वीडियो डालूंगा ताकि आप सभी को अच्छा लगे और आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त और फ्रेंड्स जो कमेंट करते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं, यूट्यूब कितने पैसे देता है 1000 व्यूज़ पे, तो ये हर यूज़र के लिए डिफरेंट होता है। मतलब अगर मेरी मानो तो जो मेनली जो यूट्यूब के मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है CPM। इसका CPM जितना ज़्यादा होगा उसको 1000 व्यूज़ पे उतनी ही पेमेंट मिलती है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरी जो CPM है वो 20 से 25 के बीच में ही रहती है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे 1000 व्यूज़ होंगे उस पर मुझे 20 रुपये ही मिल रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट करती है कि आपकी रीच कितनी है। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी रीच ज़्यादा होती है, तो कंपनी जो है ज़्यादा पेमेंट करते हैं यूट्यूब को उनके चैनल पर ऐड दिखाने के लिए। तो जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके $1, $2 यानी आप मान सकते हो 100 से 200 के बीच में रहते हैं, उनको 1000 व्यूज़ में 100 से 200 के बीच में देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता रहता है, सभी के लिए सेम नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी रीच कितनी है। मेरा भी छोटा चैनल है तो मेरे 20-25 इतने ही मिलते हैं मेरे को 1000 व्यूज़ पे, लेकिन जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होगा तो आपको जो रीच है वो बढ़ती रहती है, उससे तो आपको जो पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी है इस जर्नी में वो है एडसेंस वेरिफिकेशन से, क्योंकि मैंने जब एडसेंस अकाउंट बनाया था तो उसके बाद मुझे अपना एड्रेस को वेरीफाई करना था, तो जो एडसेंस वाले हैं मुझे वो एक पिन कोड भेजते और मुझे अपने एडसेंस अकाउंट में उसको डालना था। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, मैं पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहा था और वो मेरे को पिन मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने पहले बार ट्राई किया और तो मेरे को, और आप ना एक बार लगातार ट्राई नहीं कर सकते, मतलब आप 4 वीक में एक ही बार रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। तो मैंने पहली बार रिक्वेस्ट सेंड करी, 1 महीने तक कोई पिन आया ही नहीं, कोई फ़ोन कुछ भी नहीं आया। दूसरी बार करी तो दूसरी बार भी ऐसा ही रहा, कुछ भी नहीं हुआ। और तीसरी बार जब मुझे याद है कि मैंने दोस्त से बात करी, उसका भी चैनल है, उसके 30,000 सब्सक्राइबर है, तो उसने बताया कि जो आप एड्रेस डाल रहे हो ना उसमें अपना फ़ोन नंबर भी डाल दो साथ में। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया और 1 वीक के बाद ही मुझे जो अपना पिन है वो मिल चुका था, लेकिन वो भी मेरे फ़ोन पे नहीं आया। उस टाइम क्या हुआ था कि मैं, उसने फ़ोन तो किया लेकिन मेरा उस टाइम पे एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। तो उसने मेरे घर के पास एक और सौरभ पड़ता है, मेरा नाम भी सौरभ है और उसका नाम भी सौरभ ही था, तो उसको जाके दे दिया और उस बंदे ने क्या किया, उस पिन को फाड़ दिया। तो मतलब अलग तो हो गया था लेकिन नंबर दिख रहा साफ, तो मैं उससे मांग के लाया, फिर उसने मेरे को दिया और मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई किया ऐसे। तो काफ़ी मतलब डरा हुआ था कि कहीं वेरीफिकेशन ना हो, लेकिन एंड में वेरीफाई हो गया। और साथ ही जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो आपकी पेमेंट है उसमें फ़र्स्ट टाइम जब पेमेंट आती है तो काफ़ी डिले होता है उसमें और कई बार आती ही नहीं है। तो काफ़ी डरा हुआ था लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 21 तारीख को मेल आई थी कि पेमेंट आपकी रिलीज़ हो गई है और आज 24 है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज मुझे मेरी पेमेंट मिल चुकी है। काफ़ी सारे टैक्स कट चुके हैं, मतलब 8,000 में से अगर मैं मान लूँ आपको तो 300 रुपये का टैक्स ही कट गए। कोई नहीं, थोड़ा कमाया तो टैक्स तो देना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी मेरे घर वाले काफ़ी खुश हैं और अब शायद मुझे नहीं टोकेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, आप तो खुले खुले बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। और ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना, मतलब अब क्या ही बोलूँ, पहली पेमेंट आई है, पहली बार खुद से कमाया, मतलब अब घर वालों से नहीं मांगा, खुद से ही कमाया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार टाइम आया जो कि मुझे लगा कि मैं मोनेटाइज नहीं करा पाऊँगा अपना चैनल, पर एट द एंड मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहा और मेरा 1 साल में 4,000 जो होता है, इनकी लिमिट होती है कि 4,000 घंटे आपको पूरे करने हैं और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, वो आखिरी में हो ही गया। उसके बाद मोनेटाइज और आज पेमेंट आई है, तो काफ़ी मतलब घर वालों का भी सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि वो मना ही करते थे, मतलब अगर देखते थे तो बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि ये मना कर देते थे कि ऐसा ये मत कर, कहते थे कि तू कर, जो कर मन कर रहा है तो करते रहे, लेकिन थोड़ा होता ना कि यार अब कुछ कर रहे तो कुछ मिलना भी चाहिए रिवॉर्ड। तो आज फाइनली रिवॉर्ड मिला और काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्त तो पार्टी मांग रहे हैं लेकिन दे दूँगा। तो अगर आप भी यूट्यूबर हो या फिर आप स्टार्ट करने वाले हो तो बस ये चीज़ कहूँगा कि
कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहो, देखना कि वीडियो आपको चलेगी। मेरी तो 2 साल हो गया, आप देख ही सकते हैं, और अभी भी मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 2500 ही है, ज़्यादा नहीं है मतलब। पर ये है कि मैंने अपनी मेहनत से गेन किया, किसी से एडवर्टाइज नहीं किया, किसी से मांगे नहीं है, अपनी मेहनत से सब्सक्राइबर लाया हूँ मैं, व्यूज़ लाया हूँ, तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। वरना अगर आप किसी से कह दो कि मेरा चैनल वो कर दे, प्रमोट कर दे, तो मतलब लगता है कि यार उसने करवाया, लेकिन मैंने तो अभी अपनी मेहनत से खुद ही किया और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और कोई न्यू ट्यूबर जा रहा है तो लगे रहो, एक ना एक दिन आपका चैनल भी मोटा जरूर होगा। और कई सारे कमेंट भी करते हैं मेरे को कि हमारा चैनल प्रमोट कर दो, यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्रमोट करने से सब्सक्राइबर आ जाएंगे आपके, बस वो भी मेरे करने से, तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं आने वाला। और लेकिन अगर आ भी गए तो वो आपकी वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रमोट करने से आए, वो आपकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइबर एक नंबर टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर व्यूज़ ना आए ना, फिर डिमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होता है। तो लगातार वीडियो डालते रहो और आपका कंटेंट अपने आप इंप्रूव होता जाएगा टाइम के साथ। मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं काइन मास्टर से वीडियो एडिट करता था, लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे पापा ने लैपटॉप दिलाया मेरे को, तो फिर मैं उसमें एडिट करने लग गया। अभी मैं जो वीडियो है वो प्रीमियम प्रो में एडिट करता हूँ, और जो थंबनेल है वो फोटोशॉप में बनाता हूँ। परफेक्ट तो नहीं बना पाता, मतलब परफेक्ट तो कोई है भी नहीं, मतलब अपने हिसाब से जो मेरे को मेरा बन सकता है, जितना मुझे आता है उसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो शायद सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी लाइफ में अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो उस पर अप्लाई जरूर करना, ताकि आप भी ग्रो करो, साथ में ग्रो करेंगे दोनों मिलके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।